खानदानों के अंदर कुछ शरीर लोग होते हैं जो छोटी बात को बड़ा करके जौजैन के सामने अलग अलग पेश कर देते हैं। तो तबाए के इख्तलाफ की वजह से, तबी तफावत की वजह से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको उछाल के बड़ा करके दोनों की नज़र में, तो ये ऐसी बदकारी होती है जो मुख्तलिफ खानदानों के अंदर मुख्तलिफ तबाए के लोगों का मिजाज होता है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को मोहतात रखने की ज़रूरत होती है। और अगर वो शोहर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है तो उसको बीवी को बता देना चाहिए कि ये हमारा इसके रिश्ते का एहतराम मौजूद है लेकिन हमने इससे रहना मोहतात है। और अगर वो बीवी के ख़ानदान का फ़र्द है तो बीवी शोहर को बता दे कि ये साहिब मुअज़्ज़ज़ तो बहुत हैं हमारे ख़ानदान में लेकिन माशाल्लाह शरीर भी बहुत हैं, इनकी मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे बदन को छोड़ के ज़ख़म की जगह पर बैठती है। कुछ लोगों की मिसाल ऐसी होती है, अच्छाइयाँ छोड़ देंगे और वो वहाँ बैठेंगे और वहाँ से जो है वो गंदगी लेके फिर उसको फैलाएंगे। लेकिन आपने शहद की मक्खी का मिजाज भी देखा होगा कि वो कड़वे रस चूस के उसको भी शहद बना डालती है। तो इस तरह के लोग अमूमी तौर पे जो है वो ख़ानदानों को तोड़ देते हैं और दो लोगों के दरमियान फसाद और शर का ज़रिया बनते हैं। ये इंसानी वजूद के अंदर शैतान के नुमाइंदे होते हैं। अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को, अपनी घरेलू ज़िंदगी को बचाने के लिए ख़ानदानों के अंदर अगर कोई शरीर तबा का शख्स हो, कोई बख्सीसुन नफ्स शख्स हो, कोई खबीसुल फितरत शख्स हो, तो उससे जो है वो अपने आप को मोहतात रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये तलाक का सबब होता है। तलाक का एक सबब वालदैन की बेजा मुदाखलत भी होती है। वालदैन की जिम्मेदारियों में शामिल है कि अगर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उनको पाटने की कोशिश करें, लेकिन बाज़कात मियाँ बीवी के इख्तलाफ इस नौइयत के नहीं होते कि उसमें दखल अंदाजी की जाए। कुछ लड़ाइयाँ प्यार की भी होती हैं, कुछ उलझाव मोहब्बत के भी होते हैं, एक दूसरे को नज़रअंदाज करने का गिला होता है। तो ये वो बातें नहीं होती कि जिसको आप परे पंचायत का मौजू बनाएं और जिसको आप जो है वो बहस के उन्वान दें और फिर उस पर जो है वो आप जो है वो अपना बड़ा होना साबित करें कि हम बड़े हैं और ये केस हमारे सामने लाओ, नहीं, बल्कि ये प्यार की लड़ाई है। इसके अंदर भी हुस्न रूट के मन जाने के अंदर भी एक जमाल होता है, एक हुस्न होता है, और मियाँ बीवी का चूँकि रिश्ता प्यार का होता है तो इसमें ये छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं। और इसमें बीवी मामूली सा नज़रअंदाज होना भी गवारा नहीं करती। शोहर की फजूल तर्जुमादारियाँ बाज़कात उसको गाफिल कर देती हैं, तो बीवी उसको गवारा नहीं करती कि तुम मुझको नज़रअंदाज कर रहे हो। चूँकि इंसानी फितरत के अंदर तजदीद मोहब्बत भी है, अगरचे बीवी को ये यकीन होता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन वो उसकी ज़ुबान से सुनना चाहती है, उसके मामूली रवैये की तलखी भी उसको गवारा नहीं होती। तो ये एक फितरत इंसानी है और मर्द को ये समझना चाहिए कि औरत से जो है वो इसका इजहार करता रहे। वो क्या किसी ने कहा था ना कि मोहब्बत में अजब तकरार की खू है, मोहब्बत में अजब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो ये फितरत है, ये तकाजा है इंसान का कि वो इसका इजहार करे। तो बाज़कात बंदा कहता है कि मैं टूट के चाहता हूँ, मैं दिल दिमाग से रूह से चाहता हूँ, तो मुझे क्यों बार बार कहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ बीवी के लिए तलखी का सबब होती है कि ये मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, तो इस तरह तनाव पैदा हो जाता है। तो ये तो तनाव मोहब्बत का है, बीवी को भी 100% यकीन है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और जो है वो शोहर को भी, लेकिन ये इस तरह के तनाव के अंदर बाज़ ख़ानदान के बड़ों को पंच बनने की बड़ी ख्वाहिश होती है, धक्के से आके बैठ, हाँ जी आपकी सुलह करवाने हैं, वो मियाँ तुम घर रहो, ये मामला हमारा है और ये माँ बहन ज़ौजैन है, और जो माँ बहन ज़ौजैन तनाज़े हों उनको माँ बहन ज़ौजैन ही रहना चाहिए, उनको दो ख़ानदानों के माँ बहन नहीं आना चाहिए। और जब वो माँ बहन कबाइल आते हैं तो वो तमाशा बन जाता है, जबकि वो लड़ाई जो है वो एक मामूली थी और वो प्यार की लड़ाई थी, वो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था।